बालिग के दुष्कर्मी शिल्पी के संजय बैसवार को 10 वर्ष की कैद। सोनभद्र से भी संवाददाता राजेश पाठक की रिपोर्ट, आइए जानते हैं विस्तार से। 4 वर्ष पूर्व घर में अकेली नाबालिग लड़की को पाकर चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषी झोला छाप डॉक्टर सुनील बैसवार को 10 वर्ष की कैद एवं 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। आवेदन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 फरवरी 2017 को एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो गोरावल थाना क्षेत्र के शिल्पी गांव निवासी झोला छाप डॉक्टर सुनील बैसवार, जो वर्तमान में जुगैल थाना क्षेत्र के कुरछा गांव में रहता है, को बुलाया गया था। तब उसकी नाबालिग लड़की गिलास में पानी लेकर डॉक्टर को देने के लिए आई तो डॉक्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब इसकी जानकारी हुई तो डॉक्टर माफी मांगने लगा और कहा कि अब भविष्य में गलती नहीं होगी। तब जाकर मामला शांत हो गया। एक दिन घर पर अकेली उसकी नाबालिग लड़की थी, तभी डॉक्टर सुनील बैसवार घर पर आ गया। आते ही बेटी से पूछा कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है और कहाँ पर है। जब बेटी ने बताया कि मम्मी की तबीयत ठीक है और वह घर पर नहीं है, आप जाइए, इतना सुनते ही डॉक्टर सुनील ने बेटी के पेट पर चाकू सटा दिया, जिसकी वजह से बेटी डर गई और वह जबरन दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाने लगी तो शोरगुल की आवाज़ सुनकर कई लोग आ गए और तो डॉक्टर चाकू लहराते हुए जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। एसपी के निर्देश पर 1 मार्च 2017 को जुगैल थाने में झोला छाप डॉक्टर सुनील बैसवार के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर दोषी झोला छाप डॉक्टर सुनील बैसवार को 10 वर्ष की कैद एवं 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समुचित धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।